हेलो दोस्तों, हाजिर है टेक न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ में, जिसमें देश और दुनिया की ढेर सारी टेक न्यूज पर बात करेंगे और साथ में आज का गिव अवे वाला सवाल भी आपको बताएंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं पोल सेगमेंट में। कल मैंने आपसे पूछा था माइक्रोमैक्स इन स्मार्टफोन को लेकर आपकी राय क्या है। 31% लोगों ने कहा है कि फोन बहुत तहलका मचाएगा, जबकि 14% लोगों ने कहा है कि फोन कब आएगा, कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और सबसे ज्यादा 55% लोगों ने कहा है शुरू में सेल अच्छी मिलेगी, बाद में जाके सुस्त हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों क्या निकल के आएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर। आपको बताना है नोकिया को किस तरह के फोन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए मार्केट में। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, अपना जवाब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के आते हैं सबसे पहली खबर पर। नोकिया ने दो नए 4G फीचर फोन इंडिया में आज लॉन्च कर दिए हैं वॉइस ओवर LTE सपोर्ट के साथ में। नोकिया 215, नोकिया 225। नोकिया 215 परचेस करने के लिए आपको 2,949 रुपए, जबकि 225 परचेस करने के लिए 3,499 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में 2.4 इंच की मिलेगी आपको डिस्प्ले, जबकि 225 में आपको पीछे की तरफ मिलेगा सिंगल कैमरा और 215 में कोई भी कैमरा नहीं मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको परचेस करना है तो आप 25 तारीख से फोन को परचेज कर सकेंगे। इसके बाद अगली खबर है सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज पर नया सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी ने रिलीज कर दिया है। फिलहाल तो ये नीदरलैंड और जर्मनी में मिलेगा, इंडिया को लेकर कोई भी अभी खबर नहीं आई है। अब आपको बता दें कि इस नए अपडेट में कैमरा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। साइज 250 MB इस नए अपडेट का है। इसके बाद खबर है गूगल पिक्सल 5 स्मार्टफोन, जो कि पिछले ही महीने लॉन्च हुआ है, लेकिन अब लॉन्चिंग के एक महीने के बाद यूजर्स ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों दरअसल फोन में स्क्रीन और बॉडी दोनों के बीच में गैप महसूस किया गया है। बहुत सारी जगहों से बहुत से यूजर्स ने सेम कंप्लेंट की है। इससे जो इस फोन को IP68 रेटिंग मिली हुई है उस पर दोस्तों संदेह होता है कि कैसे इसे रेटिंग मिली हुई है, जबकि अगर इस तरह का गैप आ रहा है तो ये रेटिंग दोस्तों किसी भी तरह से इस फोन को नहीं मिलनी चाहिए थी। बाकी कंपनी क्या देती है सफाई और क्या यूजर्स की कोई गलती है दोस्तों, देखते हैं क्या निकल के आता है सामने। इसके बाद अगली खबर है मोटोरोला का एक नया स्मार्टफोन दोस्तों स्पॉट किया गया है ढेर सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर। इसमें EEC, FCC और साथ में TUV रेनलैंड जैसे सर्टिफिकेशन दोस्तों शामिल हैं। ये फोन 6000 mAh की बैटरी के साथ में और उसके अलावा 20 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आने वाला है। फोन का जो रेंडर सामने आया है दोस्तों, उसमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आईफोन की डिजाइन की तरह। लेकिन दोस्तों क्या निकल के आता है और कौन सा ये फोन है दोस्तों, इंतजार करते हैं इन सारी डिटेल का। उम्मीद ये है कि शायद जल्द ही ये फोन मोटोरोला की तरफ से लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद अगली खबर है OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन, जो कि इंडिया में इसी महीने लॉन्च हुआ है, लेकिन खबर आ रही है चाइना से कि फोन सेल स्टार्ट होने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर $30 मिलियन की यूनिट सेल हो गए। अगर पहले मिनट की बात करें तो वो भी दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प है। $15 मिलियन की सेल तो सिर्फ एक मिनट में हो गई थी, बाकी के 9 मिनट में और दुगनी सेल इसकी हो गई है, जो कि वाकई में दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प है। इंडिया में वैसे फोन आ चुका है, सेल में आपको मिल भी रहा है अमेज़न पर। अगर आपको खरीदना है, फोन चेक करना है तो अमेज़न पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर भी दोस्तों OnePlus से है। OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन तो अभी तक हो रहे हैं लॉन्च, लेकिन इसका अगला 9 भी दोस्तों सामने आ गया है। दरअसल एक कोड नेम सामने आया है लेमोनेट के नाम से, जो कि बता रहा है कि OnePlus 9 सीरीज भी जल्द ही आने वाली है और इस कोड नेम के साथ में कंपनी काम कर रही है इस सीरीज पर। स्पेक्स वगैरह और डिजाइन कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन कोड नेम ने जरूर दस्तक दे दी है कि OnePlus जल्द ही 9 फोन को भी लेके आएगा। इसके बाद अगली खबर है Xiaomi ने Mi Watch Sports का कलर एडिशन आज चाइना में लॉन्च कर दिया है। 7700 रुपए के आसपास इसकी रखी है प्राइस। 117 से ज्यादा आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, 120 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे वॉच फेसेस। वॉच आ रही है 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ में, यानी कि 50 मीटर तक आप पानी में से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको दोस्तों लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है और साथ में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे इनबिल्ट GPS बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। अब इंडिया में क्या ये लेके आती है Xiaomi, इंतजार करते हैं। इसके बाद अगली खबर है LG से। दोस्तों आपको याद होगा कि क्वालकॉम का फ्लैगशिप चिपसेट यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिसंबर में उम्मीद जताई जा रही है कि ये लॉन्च भी हो सकता है। बहुत सारे स्मार्टफोन क्यू में लगे हुए हैं कि वो इस चिपसेट के साथ में सबसे पहले लॉन्च होंगे, लेकिन LG के अंदर से रिपोर्ट सामने आ रही है कि LG 2000
2021 की पहली छमाई में कोई भी स्मार्टफोन इस फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में नहीं लाने वाला है। क्या है इस साउथ कोरियन कंपनी के दिमाग में, क्यों ये मार्केट में स्मार्टफोन्स को लेके पीछे जा रहा है? बाकी दोस्तों कंपनियां चल रही हैं आगे, देखते हैं दोस्तों एलजी क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है और कब तक इस चिपसेट के साथ में लेके आता है कोई नया फोन। और आज की आखिरी खबर है, नोकिया ने नए ट्रू वायरलेस हेडफोन आज यूरोपियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिनकी प्राइस तकरीबन 5100 रुपए के आसपास रखी है। 40 mm के ऑडियो ड्राइवर के साथ में ये नया हेडफोन आ रहा है, जिसमें कि आप वॉइस कमांड भी गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी के मदद से दोस्तों यूज कर सकते हैं। 40 hours यानी कि 40 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप भी सिंगल चार्ज पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इंडिया में क्या नोकिया इन हेडफोन्स को लेके आती है, इंतजार करते हैं, उम्मीद ये है कि जल्द ही ला सकती है। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में इतनी ही टेक न्यूज। अब आते हैं फटाफट से आपके गिव अवे वाले सवाल पर। आपको बताया है कि LG चिपसेट 875 के साथ में कब स्मार्टफोन ला सकती है, क्या मैंने आपको टेक न्यूज में आज बताया है? नीचे फटाफट कमेंट करके अपने जवाब देना शुरू कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।